और अब खबर जालौर जिले से है, जहां खनन विभाग के अधिकारियों को ना तो न्यायालय के आदेशों की परवाह है और न ही सरकार की चिंता। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसले में खनन विभाग को यह आदेश दिया था कि अवैध बजरी निर्गमन पर प्रभावी रोकथाम के लिए लीड क्षेत्रों में खनन स्थल पर सीसीटीवी कैमरे और खनिज बजरी निर्गमन वाले मुख्य मार्गों पर नाके बनाकर हर नाके पर कंप्यूटराइज्ड टोल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। गुजरात से बजरी आ रही है, एक तो हमने 3 नाके लगा दिए हैं बॉर्डर पे, एक तो विरोध बाड़ा लगाया है NH-12 पे, एक गेडाली NH-15 पे और मंडारडी, 3 नाके लगाए हैं। तीनों पे हमने बॉर्डर होम गार्ड भी लगाए हैं और हमारे ऑफिस के 2 तकनीकी कर्मी लगा दिए हैं, एक धर्मनारायण लोहार सीनियर माइंस फोरमैन। थाने पर SSO साहब की सलाह मिली थी कोई पुष्कर में सरोवर में कुंड में कोई खोपड़ी मिली, SSO साहब के निर्देश अनुसार में कोई खोपड़ी मिली, 1-2 हड्डियाँ हैं, उसको लेकर अभी अस्पताल में रखवा रहे हैं, मालूम करते हैं या तो किसी ने भाई चढ़ा के डाला है या क्या है स्थिति।